कपास की सफेद मक्खी, कपास में रस चूसने वाले कीट का संक्रमण एक आम समस्या है और इनमें सफेद मक्खी एक महत्वपूर्ण कीट है। हालांकि कपास में यह पहले गौण कीट थी, लेकिन अब इस कीट का संक्रमण काफी मात्रा में होता है। यह विविध प्रकार के पौधों पर जीकर यह वायरस को भी अन्य फसलों में फैलाते हैं। सफेद मक्खी के निम्न यानी बच्चे पीले हरे होते हैं और उनके शरीर अंडाकार होते हैं। इसके कोश पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। वयस्क कीट बहुत छोटे होते हैं। उनका पीला शरीर एक सफेद मोम की परत से ढका रहता है। इनके नुकसान की वजह से पत्तियों पर हरी माहीन धब्बे बन जाते हैं, जो मिलकर पत्तियों की सतह को अनियमित रूप से पीला कर देते हैं। यह पत्तियों की नसों से बाहरी हिस्सों तक फैलता है। गंभीर अवस्था में समय से पहले ही पत्तियां गिर जाती हैं। कली और बोल का गिरना और बोल का ठीक से नहीं फूटना भी दिखाई देता है। यह कपास में पत्ती मोड़क विषाणु रोग को भी फैलाते हैं। एकीकृत प्रबंधन के लिए सामान्य विधि का प्रयोग कीजिए, जैसे सफेद मक्खी प्रतिरोधी किस्मों को सही समय पर उगाइए, खेत को तैयार रखिए और पहली बारिश के तुरंत पश्चात बुवाई कीजिए या सूखी बुवाई अपनाइए। इमिडाक्लोप्रिड 48% FS या इमिडाक्लोप्रिड 70% WS से 500 से 1000 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार कीजिए। अतः फसल और कीट को आकर्षित करने वाले पौधों पर होने वाले कीट और उनकी प्राकृतिक दुश्मनों की संख्या पर निगरानी रखिए। नीम आधारित कीटनाशी WSP 2.5 से 0.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कीजिए और संख्या की निगरानी के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाइए। नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं कीजिए और उचित रूप से खरपतवार का प्रबंधन कीजिए। कीट को दूर रखने के लिए फसल के शुरुआती दिनों में चांदी के रंग के पलवार का उपयोग कीजिए। कीट में प्रतिरोधक क्षमता विकसित ना हो, इसलिए कीटनाशी को बदलते रहिए। कीट की संख्या को सीमित रखने के लिए ज्वार, रागी, मक्का आदि जैसे फसल से चक्रीकरण कीजिए, जो कीट के लिए मेजबान नहीं है। जैविक नियंत्रण के लिए क्राइसोपल्ला 10,000 प्रति हेक्टर की दर से छोड़िए। 1 ग्राम सफेद मक्खी के 329 कोष खा सकता है। आर्थिक क्षति स्तर तब हो जाता है जब जांचे गए पौधों में से 50% पौधों के मध्य हिस्से में 10 सफेद मक्खी पाई जाती हैं। जब पौधों को धीरे से हिलाया जाता है, सफेद मक्खी की उड़ने से धुएं जैसा नजारा दिखता है। इसके बाद 600 मिलीलीटर पायरीप्रोक्सीफेन प्लस बायफेंथ्रिन 10% ईसी को प्रति हेक्टर की दर से छिड़किए एवं पायरीप्रोक्सीफेन 5% प्लस डायफेंथुरियन 25% ऐसी के 1000 से 1250 मिलीलीटर मिश्रण को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कीजिए। तो किसान भाइयों, इन परीक्षित यानी जांची गई तकनीकों के प्रयोग से अपनी कपास की फसल को बचाइए और अच्छी उपज हासिल कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।